सर आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है एलेक्जेंडर हेराल्ड। तो आज आप आपको कुछ दोस्तों से मिलाता हूँ। तो ये हमारे एक दोस्त है, ये देखिए खरगोश। और एक वहाँ है, ये दोनों मेरे दोस्त हैं और ये ग्रास को एंजॉय कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। और ये मुझे तो मैं सुबह सुबह उठ गया हूँ और सुबह सुबह मैं इन्हें टाइम देता रहता हूँ। तो ये हमारे प्यारे प्यारे दोस्त हैं और हम इनके साथ एंजॉय करते हैं। और ये मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये खा रहे हैं खाना, ये सूखी घास होती है, इन्हें हम पानी में डाल देते हैं और ये हमेशा हरियाली रहती है वो देखिए। और ये क्या करेंगे कि ये आपसे इंटरेक्ट कैसे करते हैं, इनका जो घास है ना ये दूसरी तरह की एक घास आती है ठीक है खरगोश के लिए। इसको थोड़ा सुखा के ही देना है, ये पानी में गीली घास मैंने दे रखी है, थोड़ा सा इसको फैला दिया है। फैलाने से क्या होता है, हवा लगने से सूख जाता है ये। और फिर इसमें थोड़ा आटा भुरभुरा दीजिएगा आटा, तो ये क्या होगा ना कि ये देखिए अभी गीली हो रही है, ये देखिए गीली है ना, इसे मैंने हल्का हल्का ये वाइट वाइट है ना आटा भुरभुरा रखा है, थोड़ा टेस्ट बढ़ जाता है इससे ये खाते हैं ठीक है, कभी भी खरगोश रखे तो। अब ये क्या करेंगे, जब मैंने बुलाऊंगा ना तो ये मुझे ना किस भी करते हैं, देखिए टांग पे आके पूरा किस करेंगे, ये टांगे ना पूरा किस करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ये आप इनको प्यार करेंगे तो ये भी आपको प्यार करेंगे। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, उनका एक पिंजड़ा है जिसमें इधर की तरफ मैंने बेड बना रखा है, जिस इधर की तरफ ये सोते हैं, इधर वो टॉयलेट और ऊपर से कवर कर देता हूँ मैं नेट से। अब देखिए ये एक अंदर, अब मैं इनको बुलाऊंगा धीरे धीरे, तो ये अभी तो खेल रहा है बहुत ज़्यादा, अभी खोला हो तो ये आ जाएगा, देखिए आने लगा, ये भागता भी आता भी है। अभी थोड़ी देर में आएगा किसी करेगा टांग पे तो मैं उसको दिखाऊंगा। वो है देखिए, वो है ये देखिए, बस इन्हें आटा चाहिए, आटा किसी तरीके से भी खोजते रहते हैं, देखिए कैसे कर रहे हैं। ये आटे की बोड़ी है और इसके अंदर ये आटे को खोजते रहते हैं कि आटा किस तरह से आ। तो ये दो मेरे जानवर हैं, दो और हैं पैरट हैं, बच्चे हैं बहुत ज़्यादा, सो मैं उनसे भी आप लोगों को बहुत ही जल्दी मिलाऊंगा। देखिए 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 देखिए, इतना बदमाशी करेगा, अभी खुला है तो अभी कुछ सुनने का नहीं है, लेकिन देखिए बहुत ज़्यादा बदमाश करता है ये, देखिए देख रहे हैं कितना बदमाशी करेगा, वो हर जगह जाएगा इधर से उधर। ये मेल है सो ये सबसे ज़्यादा शरारती है, ये फीमेल है तो ये बेचारी चुपचाप से अपना खाती रहती है, इधर उधर टहलती रहती है। ये इसको देखिए, देख रहे हैं, देख ली, ये दिमाग खराब, यही आगे आपको किसी करेगा, अभी थोड़ी देर में मैं दिखाता हूँ किस तरह से किसी करता है। आओ, तो ये खाने में एकदम मस्त है, आओ। सो यही है, जैसे जैसे घास सूख जाएगी ना ये देखिए खाना शुरू कर देंगे, थोड़ी गीली घास नहीं खाते हैं, आई डोंट नो, ये सूख जाएगी ना धीरे धीरे तो ये बस घास खाना शुरू कर देंगे। इनको बस घास ही देना है आपको, इनकी घास मिलती है इसी टाइप की लंबी वाली, बकरी की घास अलग होती है सो वो नहीं देना है, ये देना है। ये थोड़ी सूखी घास खाते हैं पर फ्रेश होनी चाहिए, तो फ्रेश होने के लिए मैं घास ले आया था, पर इनको मैं पानी में भिंगो के रखता हूँ घास को हमेशा, क्योंकि मैं ढेर सारी घास ले आता हूँ तो वो सूख जाती है ना हवा की वजह से, तो इनको पानी में घास ला के आप पानी में भिंगो के रख दें, वो हमेशा फ्रेश रहेंगी। बस उनको पानी चाहिए हल्का सा बस, और जब इनको ज़रूरत हो निकाल दीजिए और हवा में छोड़ दीजिए, ये सूख जाएंगी फिर खाने लगेंगी। लेकिन इसको पकड़ा, देखिए इसको पकड़ लीजिए,
पकड़ने के बाद ऐसे ऐसे खिलाइए। ये तो ऐसे हम लोग के पास नहीं आती ज़्यादा ना बात करती है, असल में ये लड़की है तो बहुत ही कम, बहुत शरारती नहीं है ये और बात नहीं करती, पर वो आएगा ना अभी तो वो बात करेगा, वो आराम से बैठ जाता है, ये नहीं बैठती, ये भाग जाती है। आओ अभी मैं आपको दिखाऊंगा बहुत ही ज़बरदस्त चीज़, वो अपनी सफाई में लगी हुई है। सो बेसिकली शी इज़ गर्ल एंड एवरी टाइम वो अपनी मेकअप में लगी रहती है, सफाई में, खूबसूरती में, ऑल टाइम। और इसको बुला लीजिए तो आती नहीं जल्दी, पर वो आएगा भी, वो अंदर है, आएगा भी थोड़ी देर में, मैं दिखाऊंगा आएगा वो। आ तो फिर देखते क्या होता है लाइन है। तो इस तरह की अनवांटेड चीज़ें होती हैं और भी बहुत कुछ होता है घास में, उसको निकाल दीजिए। आपको सिर्फ घास देनी है इनको और बाकी चीज़ निकाल दिया कीजिए। अगर आप रैबिट रखते हो और रैबिट का बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है, तो बेसिकली हमें उनके अंदर केयर में करना क्या होगा कि आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि वो पैर के नीचे ना आ जाए। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो पैर के नीचे आ जाते हैं। तो और जब आपके रैबिट बहुत ज़्यादा मतलब पालतू हो जाते हैं, आपके पीछे भागने लगते हैं, तो ये देखना है कि आप जैसे दरवाज़ा खोलते हैं या आते हैं तो वो कहीं आपके पैर के नीचे ना आ जाए। पालतू होने के कारण अभी ये, अभी सुबह सुबह मैंने इनको खोल दिया है तो ये घूमते रहेंगे, इधर उधर खेलेंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पर खेल रहा है वो, अंदर यहाँ पर छुपा हुआ है, वो अंदर गया फिर आया, समझे, वो छुपा हुआ है, वो खेलता पूरा है। देखिए ना टांग निकल रही है इसकी, पूरा घर को रौंद देगा सुबह सुबह, यही है। तो सबसे पहले केयर यही है कि पैर के नीचे ना आ जाए। ये बहुत ही कमज़ोर होते हैं, मैं सच बताऊँ बच्चे बहुत कमज़ोर, उनकी कुछ होती नहीं है, आप ऐसे उठाओगे हड्डी में भी कोई जान नहीं है। अगर पैर के नीचे आ गया आपका वज़न है, वो फौरन ही डेथ कर जाएंगे, फौरन मर जाएंगे। तो सबसे पहला केयर है कि रैबिट आ रहा है तो आपको अपने चलने की हैबिट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ज़मीन से पैर इस तरह से करके चलना पड़ेगा अगर आप चलते हैं तो, क्योंकि आप पैर उठा के घर में ना चले, पैर उठा के चलेंगे अगर ये फौरन ही पैर उठाएंगे ये पैर के नीचे आ जाते हैं आपके। वो क्यों आते हैं, वो आपके पैर को किस करना चाहते हैं, मतलब जैसे उनका जो जानवर का होता है ना प्यार करने का तरीका, वो जानवर एक दूसरे से ऐसे ज़बान से चाट के प्यार करते हैं। तो वो आपके पास आते हैं अपना लव दिखाने के लिए और आपका पैर उड़ जाता है और वो पैर रखा जाएगा, वो फौरन ही डेथ कर जाते हैं। तो बेसिकली ऐसे एक मेरे दोस्त हैं, उनके रैबिट के साथ हुआ, बहुत ही अच्छा रैबिट था और बहुत ही मुझे अफसोस हुआ। तो हम इनको बड़े हम एहतियात से चलते हैं घर में और इस तरह से पैर थोड़ा हल्का रगड़ के चलते हैं ज़मीन में, क्योंकि बाहर थोड़ा सा आपको दिमाग में एक सेटअप करनी पड़ेगी कि घर में कोई जानवर है अगर आप छोड़ के रखते हैं तो, ठीक है। और इनका ख्याल रखना पड़ता है, और बिल्ली उल्ली का आपको, ये बिल्ली इसको पकड़ लेती है तो बिल्ली से, हमारा तो पूरा बंद है घर तो बिल्ली आने का कोई डर नहीं रहता। और जाली बना लीजिए, खाना इनको देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कितना बदमाशी कर रहा है, ये आएगा फुल्ली बदमाशी करेगा, वो सिर्फ आटा खाना चाह रहा है देखिए, और आटा हम लोग छुपा देते हैं देखिए। बेसिकली जो इनके इनका जो नेचर होता है वो नेचर ऐसा होता है कि ये अंधेरी जगह को ज़्यादा पसंद करते हैं, जहाँ पे अंधेरा हो, गुफा हो, इस टाइप की पसंद है, जो अंधेरी हो, गुफा की टाइप हो, उधर जाके छुप जाते हैं, लुक जाते हैं। पर बेसिकली इन लोग को अगर आप ट्रेंड करेंगे ना तो ये उधर उधर टॉयलेट नहीं करते, एक जगह इनका बना होता है, जैसे मैंने ट्रेंड कर रखा है वहीं पर वे टॉयलेट करेंगे, पेशाब करेंगे और कहीं नहीं करते। सो मैं कभी दिखाऊँगा, इनका एक स्पेशल छोटा सा बालकोनी है उसी में वो रखते हैं और नाली है वहाँ पर, तो वहीं पे उनका ट्रेनिंग ऐसा है कि वहीं पे जाके पेशाब करेंगे वो। और ऐसे अगर रात में यहाँ पे जाली में छोड़ देता हूँ, रात में रूम में ही रहते हैं ये, कहीं बाहर नहीं रखते। कभी भी आप अपने रैबिट को बाहर नहीं रखें, रूम में रखें, रूम को के अंदर रखें और ऊपर से
आप मच्छरदानी लगा दें और नीचे से उनको कूट लगा दें कि मच्छर परेशान ना करें। सो बेसिकली ये अभी जो सुबह में इनको ज़रूर अपने जाली से निकाल दें, अपने पिंजड़े से, और इनको फुल एक रूम में बंद करके इनको फुल छोड़ दें। ये एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं सुबह सुबह, और ऐसे भागेंगे दौड़ेंगे तो इनका एक्सरसाइज होता है, इनसे इसका मसल भी मजबूत होगा, छोटे बच्चे हैं, और प्लस इनके अंदर है ना एक एक्टिविटी आती है दौड़ने की भागने की। इनको ऑल टाइम पिंजड़े में नहीं रखना चाहिए, बहुत सारे लोग बहुत ही इनकी पिंजड़े की सफाई, इनको फ्रेश जगह, तो इनको ये एक्टिव रहते हैं। या आवाज़ सुन रहे होंगे ये इधर से उधर दौड़ रहा है, सो मुझे कैमरा फ्लिप करने नहीं आ रहा है कि मैं कैमरे को किस तरह से फ्लिप करके दिखाऊँ, तो बेसिकली मैं बार बार रिकॉर्डिंग रोक के फिर उसको दिखा रहा हूँ। सो ये सारी चीज़ें हैं और भी बहुत कुछ है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और नेक्स्ट मैं वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये हमारे हमें इंसानों को प्यार करते हैं, जब आप इनको ट्रेनिंग देते हैं इस टाइप से तो ये इंसानों को कैसे प्यार करते हैं, तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। और वो आ गया है, वहाँ पे खाना खा रहा है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मॉर्निंग, हाय, मैं हूँ एलेक्जेंडर हेराल्ड, और आज दूसरी मॉर्निंग में मैं आपको अपना दूसरा जानवर दिखा रहा हूँ, जो है हमारा चुनुन मुनुन। ये देखिए चुनुन मुनुन है, चुनुन मुनुन। तो चुनुन मुनुन दो है, चुनुन मुनुन। सो ये पूरे इंसान होते हैं, इनको जैसे वो खरगोश हैं, देखिए वो खरगोश हैं वहाँ पे, ठीक है। खरगोश और बर्ड्स, बर्ड्स अगर आप पालते हैं, ठीक है, तो बर्ड्स के अंदर सबसे बड़ी ये होती है कि उनको इमोशनल अटैच चाहिए बहुत ज़्यादा। अगर आप इमोशनल अटैच नहीं दे पा रहे हैं बर्ड्स को, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप पालना नहीं। ये पूरा इंसान की तरह बिहेव करते हैं, द बिहेवियर इज़ लाइक ह्यूमन बींग। इन्हें बात करना है, इन्हें इमोशनल अटैच आना है। अब खरगोश है वो आपसे खेलेगा नहीं, मतलब वो ठीक है आपसे खेलेगा, मतलब वो, पर उस तरह का बिहेवियर नहीं होता है खरगोश का। लेकिन बर्ड्स जो हैं उनका बिहेवियर ऐसा होता है कि वो आपसे अटैच होना चाहते हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपसे बात, आपकी फीलिंग शेयर करते हैं अपनी। सो इनक्रेडिबल फीलिंग्स होती हैं। ये जो है ये देखिए, ये है तोता है। अब इनके साथ क्या प्रॉब्लम है पता है? अगर इनको अकेले छोड़ देंगे ना, ये अपनी माँ को याद करते हैं, अकेले छोड़ देंगे ये, मतलब इनकी इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो जाती है, यू नो। सो दे नीड अ बॉडी जो उन्हें अपने साथ रखे, उनसे बात करे, फीलिंग शेयर करे, चाहे किसी भी भाषा में। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स। सो आप अगर बर्ड्स पालते हैं, डोंट कि ऐसे नहीं पाले। अगर आपको बर्ड्स पालना है तो ऐसा नहीं कि हाँ मुझे बर्ड्स पालना है या बर्ड्स पाला, नहीं। आपको समझना है कि ये हमारे घर का सदस्य है और आपको घर के सदस्य की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। इनके अंदर पूरी फीलिंग्स होती हैं इंसानों की तरह। ये बुरा मानते हैं, इनको चिड़चिड़ाहट होती है, गुस्सा आता है, एकदम इंसान है ये। खरगोश जो है उसके अंदर एक फीलिंग है कि वो आपको आके प्यार करेगा, ये करेगा, वो करेगा, बट इज़ नॉट बिहेव लाइक दैट जैसे बर्ड्स करते हैं। सो आप बर्ड्स को अपना बनाना सीखिए। अगर इनको आप पिंजड़े में रखेंगे या तो वो जानवर कैसे हो जाते हैं, जानवर की तरह हो जाते हैं। जब आप इनको साथ रखेंगे तो ये इंसान की तरह हो जाते हैं। सो बिहेवियर इस तरह से चेंज होती है। सो आप देख सकते हैं ये मेरे गोद में सो रहा है, गोद में, ये देखिए। मैं इसे बात करने के लिए इतना परेशान है, सिर्फ बात करने के लिए, सिर्फ इसे बात चाहिए, इससे बात करो बस। इसको लग रहा है कि मैं इनसे बात कर रहा हूँ और ये कहानी सुन रहा है और ये सो गया, क्योंकि मैं शुरू से खिला रहा हूँ इसको। मैं खिलाता हूँ, इसे बताता हूँ, ओले मेरे बेटी है, ओले ले 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 ले, कुछ खाया है, ओ
अम्मा को लेके चला आया, बदमाश होता है वो आदमी, अम्मा से लेके चला आया बेटू को, बेटू को लेके चला आया, पैर पे था। तो इस तरीके से मैं खिलाता हूँ, इनसे बातें करता हूँ, एक अंदर है सो एक वक्त में एक ही को लेता हूँ। आप एक वक्त में दो को मत खिलाइए, ये चलते भी हैं, गिर भी सकते हैं, चोट भी लग सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे एंड आई विल शेयर कि इनको कितना खाना खिलाना है, कैसे करना है। सो अगर आप तोता पालते हैं तो प्लीज़, अगर आप उसको पिंजड़े में नहीं रखिए, पिंजड़े में आप रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत छोटे हैं, तो अभी आप कहीं पे रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनको, इनके साथ इमोशनली अटैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ दे बिहेव लाइक अ एनिमल। इफ इमोशनली अटैच हो जाइएगा, दे बिहेव लाइक अ ह्यूमन बींग। दिस इज़ द मेन फैक्ट अबाउट द पैरट्स। एंड ये यही हम मिस्टेक कर देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ जल्दी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखे, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।